तो बच्चों, आप सबको याद होगा कि आज से ठीक एक साल पहले बालवीर ने गो ग्रीन अभियान शुरू किया था ताकि सब बच्चे पेड़ पौधे उगाए और दुनिया में हरियाली छा जाए और ग्लोबल वार्मिंग कम हो। है, याद है आप लोगों को? यस सर। यस, तो देखते हैं कि गो ग्रीन अभियान में हमारे एवीपी विद्या मंदिर के बच्चे कितने सीरियस है। गो ऑन योर मार्क्स। Good, very good. Kima. Wow, very good. Pink flower. Very well done. Oh, so big red flowers. Very nice. I like it. Best of luck. Very nice, Dal. Good. Welcome. Wow. सबसे अच्छा गार्डन तो तुम लोगों का है। ज्यादा मेहनत तो तुम लोगों ने की लगती है। कितनी हरियाली है यहाँ पे। वेरी कलरफुल। थैंक यू सर। सर, उनकी हरियाली छोड़िए, हमारी हरियाली देखिए। ये सब क्या है? सर, मोंटू तो पहले से भरा भरा था, अब तो हरा भरा बन गया। अरे हाँ सलोनी, अब तो ये बिल्कुल तरबूज लग रहा है, इसको देख के तो मेरा मन मीठा हो गया। सर, इन लोगों ने बालवीर जी के नारे गो ग्रीन को समझ कर नहीं लिया और मैं समझ गया, इसलिए मैं पूरा ग्रीन बन के आया हूँ और मेरा पौधा भी ग्रीन है। सर दिखा रहे? हाँ बॉस। ये देखिए सर। देखो सर। हाँ। मंटू, अरे मंटू, गो ग्रीन का मतलब ग्रीन कलर लगाना नहीं होता बेटा, पेड़ पौधे उगाना होता है, हरियाली फैलाना होता है। ओ ग्रीन, जा पहले अपना यूनिफॉर्म पहन के आओ। ग्रीन गधे कहीं के? ग्रीन गधा। 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 रुकिए, ये आप क्या कर रहे हैं? कचरा ऐसे ही फेंक कर पर्यावरण को दूषित कर रहे हैं। कचरा हमेशा कूड़ेदान में ही डालना चाहिए। माफ कीजिए बालवीर जी, दोबारा ऐसा नहीं होगा। बहुत अच्छे, अब आप आज के बाद कूड़ा हमेशा कूड़ेदान में ही डालिएगा और लोगों को भी कचरा कूड़ेदान में ही डालने के लिए कहिएगा ताकि पर्यावरण की रक्षा हो सके। अरे सुनिए, देखिए आपने पानी का नल क्यों चालू रखा है? इसे बंद कर दीजिए, इससे पानी की बर्बादी होगी। देखिए, अगर आपको पानी की जरूरत नहीं है तो पानी का बहाव बंद कर दीजिए ताकि पर्यावरण की रक्षा हो और पानी की भी बचत हो। थैंक यू बालवीर, तुम्हारे कोशिशों के कारण बच्चों ने जो गो ग्रीन मूवमेंट चालू किया है
उसे पूरी दुनिया में पॉपुलर कर दिया है। बड़े और बच्चे सभी पेड़ लगा रहे हैं और इसकी वजह से हमारे प्लेनेट अर्थ का एनवायरनमेंट काफी तेजी से सुधर रहा है और पूरी दुनिया में तेजी से ग्रीनरी फैल रही है। इतना ही नहीं बालवीर, तुम गैर कानूनी तरीके से जंगल काटने वालों को रोक रहे हो और उन्हें सजा दे रहे हो। इससे पूरी दुनिया में एनवायरनमेंट के प्रति जागरूकता बढ़ रही है। तुम्हारी कोशिशों की वजह से एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैसेस की कमी हो रही है और ऑक्सीजन गैसेस की बढ़ोतरी हो रही है। सही बात है बालवीर, ये देखो एनवायरनमेंट मीटर। ये मीटर दिखा रहा है कि एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन का लेवल काफी बढ़ा हुआ है और हमें पूरा यकीन है कि तुम्हारी कोशिशें अगर इसी तरह से जारी रही तो ये लेवल एक्सीलेंट को टच कर जाएगा। जरूर पहुंचेगा। पर्यावरण को बचाने का मेरा ये अभियान तब तक चलता रहेगा जब तक सूखे हुए जंगल वापस हरे भरे नहीं हो जाते। अगर चारों तरफ हरियाली होगी तभी हमारे पास पर्याप्त प्राणवायु होगा ताकि हम सांस ले सके। मैं बस यही चाहता हूँ कि हम सब मिलकर कोशिश करें ताकि हम पर्यावरण को बचा सके। अब मुझे आज्ञा दीजिए, मुझे बच्चों का बना हुआ उद्यान देखने के लिए जाना है। ये देखिए माँ विनाशनी, बीज की पोटली। बहुत मुश्किल से चुरा के लाई हूँ मैं ये परीलोक से। हम मुश्किल से चुरा के लाए हैं परीलोक से। हाँ, उगाइए आप बगीचा इस रेगिस्तान में ये बीज बोकर, क्योंकि बची तो है ही नहीं आपके पास कोई क्षमता बालवीर से लड़ने की। हो सकता है मिले आपको कोई माली का काम पृथ्वीलोक पे कहीं। ये कोई आम बीज नहीं है तौबा तौबा, जादुई बीज है, जादुई। लेकिन इस बीज से होता क्या है? सब पता चल जाएगा, पहले वहां देखो। दानव, आज के हजार साल पहले शापित परी ने इसको श्राप दिया था, तब से यहां पर मूर्ति के रूप में है। मगर आज इस श्राप का अंत होने वाला है, महादानव जिंदा होने वाला है। लेकिन महाविनाशनी, है ये कौन महादानव और होगा हमें क्या लाभ इसके जिंदा होने से? सब्र करो तौबा तौबा, सारे प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। Thank you.
मुझे ग्रीन गधा बोला था ना, अब देखना मैं तुम्हारी ये ग्रीनरी मतलब ये पेड़ पौधे काटता हूँ। सलोनी, मेरा तो जी खट्टा हो रहा है, ये मोंटू तो हमारे सारे पौधे काट देगा। डर मत इससे, ये तो सिर्फ दो है और हम इतने सारे। टोटल 25-30 पौधे हैं। हर एक पौधे पे एक पिज़्ज़ा मांग लो इन लोग से। रोहित, क्या टेस्टी आइडिया दिया है तूने? ए पिद्दे, चल ठीक है, जा, जाके मेरे लिए 30 पिज़्ज़ास लेके आ। 30 पिज़्ज़ास? मेरे पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे? मोंटू जी, मेरा जी घट्टा हो रहा है। पैसे नहीं है ना? चल, हवा आने दो। परी, करो जादू कुछ ऐसा कि मोंटू की अकड़ निकल जाए और पौधे ही उसे सबक सिखाए। अरे मोंटू बॉस, पेड़ काटने की कोशिश कर रहे थे, तुम दोनों को पता है हमें पेड़ पौधों से क्या मिलता है? क्या मिलता है बालवीर जी? मोंटू रोहित, पेड़ पौधे हमें छांव देते हैं। पेड़ पौधों की वजह से ही बारिश होती है, और पता है पेड़ पौधे हमारे पर्यावरण में जो जहरीली गैस है उसे कम करते हैं ताकि प्रदूषण कम हो। मोंटू रोहित, तुम दोनों को पता है कि अगर ये पेड़ पौधे कट जाएंगे तो
क्या होगा? नहीं पता बालवीर जी। महाविनाशिनी, तुम यहाँ? मदद करने आई हूँ तुम्हारी महादाना। तुम मेरी कोई मदद नहीं कर सकती महाविनाशिनी, क्योंकि श्राप के अनुसार केवल दो दिन बाद मैं वापस 1000 साल के लिए मिट्टी की मूर्ति बन जाऊंगा। नहीं बनोगे, मैं तुम्हें तुम्हारे श्राप से मुक्ति दिलवा सकती हूँ। यह संभव है महाविनाशिनी? श्राप से मुक्ति पाने के लिए मुझे महायज्ञ करना होगा, और उस यज्ञ में मुझे पृथ्वी की सारी हरियाली आहुति के रूप में डालनी होगी। वो हरियाली तो मैं इसमें खींच सकता हूँ, लेकिन पृथ्वी पर जाना मेरे लिए संभव नहीं। संभव है, इसलिए तो यहाँ आई। ये जादुई बीज की पोटली है महादानव, इस बीज की मदद से तुम पृथ्वी लोक जा पाओगे। वहां की सारी हरियाली सोख कर महायज्ञ की आहुति जमा कर पाओगे। उसके बाद तुम्हारा श्राप समाप्त, अमर हो जाओगे महादानव। वाह महाविनाशिनी, तुमने तो मेरा काम आसान कर दिया। वैसे इसमें तुम्हारा क्या लाभ है? मेरा तो लाभ ही लाभ है। जैसे ही तुम इस फटीक के गोले से सारी हरियाली सोख लोगे, पृथ्वी पे पेड़ और पौधों के नाम और निशान मिट जाएंगे। पेड़ और पौधे नहीं रहेंगे तो प्राण वायु समाप्त, और प्राण वायु समाप्त तो धरती पे कौन बचेगा? फिर बालवीर और परियों की चहेती पृथ्वी लोक उजड़ जाएगी, और उसी के साथ साथ सारी अच्छाई सारी सच्चाई उजड़ जाएगी। हाँ।